तो भैया अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर है जिन्होंने कैमरा ले लिया है लेकिन कैमरे के साथ खेल रहे हैं, अच्छा खेलने का मतलब कि हम उसको ऑटो मोड में ही अभी तक फोटोज ले रहे हैं, तो हम आपके साथ इस वीडियो में ऐसे ऐसे राज शेयर करने वाले हैं, ऐसे ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आपको एक बिगनर फोटोग्राफर से प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनाने में हेल्प करेगा। बना तो आप अगर बनना है तो वो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ कुछ टिप्स आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे और आगे चलते हैं, आपके साथ कुछ ऐसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिसके वजह से आपको कुछ ना कुछ एक नया सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे थे तो आप अब इसको ख़त्म कर सकते हैं। सो आज वीडियो की क्वालिटी को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में बात करा है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में कुछ टिप्स वहाँ पर भी शेयर करे गए हैं, और इस वीडियो में हम टिप्स जो शेयर करने वाले हैं वो है फोटोग्राफी के रिगार्डिंग। तो वीडियो में बने रहे एंड तक देखें। मैं आपको 110% कह सकता हूँ कि इसमें से आपको एक या दो पॉइंट नहीं पता होगा, और अगर पता होगा तो आप उसको यूज़ नहीं करते होंगे। तो हम आपको अच्छे से करके बताएंगे यूज़ कि किस तरीके से हम कौन से मोड में अच्छे से फ़ोटो ले और अपनी फ़ोटोज़ की क्वालिटी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट है मैनुअल मोड। हम मैनुअल मोड में जाने से पता नहीं क्यों डरते इतना। जब मैं खुद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे था, जब मैंने जस्ट कैमरा लिया ही था, तो ऑब्वियसली मुझे तो कैमरा चलाने इतना अच्छे से नहीं आता था, लेकिन हाँ अब थोड़ा आता है चलाना। तो जब मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट में था तो मैं खुद ऑटो मोड में फ़ोटोज़ लिया करता था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़ोटो जो है ये ऑटो मोड की है और ये मैनुअल मोड की है। तो जो मैं फ़ोटोज़ लिया करता था पहले वो मैं ऑटो मोड में लिया करता था, लेकिन जब से मैं मैनुअल में शिफ्ट हुआ हूँ, ऑटो मोड से मैनुअल मोड में शिफ्ट हुआ हूँ, बाय गॉड फोटो का एक अलग ही मतलब क्वालिटी आया मेरे सामने निकल गया। तो आप मैनुअल मोड में जाने से ना डरिए, एक्सपेरिमेंट ज़रूर करिए। ISO, एपर्चर, फोकल लेंथ, मतलब जो भी है, ये जो तीन पिलर्स होते हैं फोटोग्राफी के, इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वो देखनी है तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑटो मोड में अभी भी फोटोज़ लेते हैं तो अब आप ऐसा करिए कि मैनुअल मोड में शिफ्ट हो जाइए। हमारी नेक्स्ट टिप है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो हिस्टोग्राम होता है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे फुटेज को वाइट बैलेंस और ब्लैकआउट करता है। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन में भी, ये जो ग्राफ सा अच्छा, ये काम कब आता है आपको हिस्टोग्राम का यूज, सबसे ज्यादा डे आउटडोर, आउटडोर में जब आप शूट कर रहे होगे और जब डे लाइट में मतलब सनलाइट में जब आप शूट कर रहे होगे वहाँ पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप अपनी आँख के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये 110% आप में से लिखवा भी लो इस बात को। आप अगर सनलाइट में वीडियो शूट कर रहे हो या फोटो मतलब अगर आप फोटो ले रहे हैं, तो जो आपको फोटो कैमरे के स्क्रीन पे दिखेगी वो आपको लैपटॉप के या पीसी के स्क्रीन पे दिख ही नहीं सकती उस तरीके से। तो ये था कुछ हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली हम डे लाइट में जब सनलाइट में शूट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी आँख होती है और जो कैमरे की स्क्रीन होती है वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाती। हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारी फुटेज है वो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन जब हम उस फुटेज को अपनी किसी पीसी या लैपटॉप में डाल के देखते तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। सो ये था हमारा कुछ इंस्टाग्राम। अब जो हमारी नेक्स्ट टिप आ रही है वो मतलब कह सकते हैं कि फोटोग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही है, जो कि है कॉम्पोजिशन। सो कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है, बेसिकली हम इसमें क्या देखते हैं कि जो भी हम फुटेज ले रहे हैं उसमें कुछ सिमेट्रिक बन रही कि नहीं बन रही, उसमें सिमेट्रिक बननी चाहिए। कॉम्पोजिशन किस तरीके से हो सकती है, सिर्फ फ्रेमिंग और उसके बाद थोड़ा अपना सिमेट्री देखकर, तो ये सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन के अंदर आती है। तो हम चलते हैं और कुछ फोटोज़ लेते हैं और आपको उस फोटोज़ के आइडिया से बताते हैं कॉम्पोजिशन किस तरीके से होते हैं।
ये हमारे सब्जेक्ट पहले सामने। तो ये थे कुछ शॉट्स जो हमने अपने स्पॉट पे लिए थे, और अब वन बाय वन में सारी फुटेज अब इस पे डालते हैं और सारी चीज़ें चेक करते हैं कि क्या फ्रेमिंग होनी चाहिए थी, क्या कंपोजिशन होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट फ़ोटो हमने ली थी पार्क के अंदर वो है जी, तो ये फर्स्ट फ़ोटो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो बीच में है और हमारे भैया, तो इसमें अगर आप बता सकते हो कि क्या सिमेट्री बन रही है, तो वैसे तो मैं बताऊंगा ही, तो ऐसे मैं आपको कम से कम 7 से 8 फुटेज शो करूंगा वन बाय वन। तो आप मेरे को इसमें से बताइएगा कि क्या क्या इसमें सिमेट्री है। तो जैसे कि इसमें हम देखेंगे तो ये जो दो ट्रीज़ है, जो पेड़ है साइड में, इसके बीच में हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये हमारी एक सिमेट्री बन रही है, कॉम्पोजिशन बन रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फुटेज कितनी अच्छी लग रही है ना। अब चलते हैं सेकेंड पिक्चर ले लेते हैं कोई, जैसे ये पिक्चर मैंने रोड पे ली थी। तो जो ये नेक्स्ट पिक्चर है जिसमें काव है, इसमें बता सकते हो कि क्या सिमेट्री बन रही होगी हमारी? तो इसमें जो हमारी सिमेट्री बन रही है, ये नेक्स्ट फोटो में आपने देखा, तो जो आप देख रहे हो 4 लीडिंग लाइन जो जा रही है वो हमारी सिमेट्री बन रही है, तो अलग ही हमारा व्यू आ रहा है। तो इसलिए कॉम्पोजिशन के टाइम पर हमें बहुत ज़रूरी है कि कभी भी जब आप फोटोग्राफी खींचते हैं तो सबसे पहले तो लेंस में से देखने से पहले किसी भी फोटो को पहले अपनी आँख से देखिए कि क्या वहाँ पर सिमेट्री बन रही है, और ये आपको हर जगह मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, तो ये आपको हर जगह सिमेट्री कहीं ना कहीं मिलेगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एक ये फ़ोटो मैंने ली है, तो जैसे कि ये फ़ोटो है, तो इसमें आप बता सकते हो कि क्या सिमेट्री बन रही है? तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो सिमेट्री बन रही है हमारी वो अगेन लीडिंग्स लाइन है, और साइड से ट्रीज़ भी है, अगर आप देख रहे हो तो ये एक पहला इधर भी, इस तरफ से भी है, इधर से, तो सारे वो लीडिंग्स, मतलब एक हमारी लीडिंग लाइन बन रही है। और फुटेज ले लेते हैं, तो इसमें बता सकते हैं आपकी क्या लीडिंग, मतलब क्या सिमेट्री बन रही है? ऑब्वियसली आप बता सकते हैं, ये जो लाइंस दिख रही है वाइट लाइन जो मैंने एरो में दिखाई है आपको, इस लाइन में हमारी क्या बन रही है? सिमेट्री बन रही है। इसी तरीके से अगर हम और फुटेज भी लेते हैं, हाँ जी, तो अब हम चलते हैं, बेशक हमारी लीडिंग्स लाइंस हमारी सिमेट्री बन रही हो, लेकिन कभी कभी फिर भी ऐसा होता है कि जो फुटेज है वो हमें अच्छे से आउटपुट नहीं मिल पाता। जैसे आप ये फुटेज देख सकते हैं, इसमें क्या है कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो फोकस में नहीं है, बेशक सिमेट्री बन रही, साइड में आप लाइन्स देख सकते हैं, 2 लाइन्स है, बीच में मिरर भी है, उसके बीच में हमारा सब्जेक्ट है, तो बेशक हमारा लीडिंग लाइन बेशक से हमारी सिमेट्री बन रही हो, लेकिन फिर भी हमारा ये पिक्चर अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए कॉम्पोजिशन में सिर्फ फ्रेमिंग और आपका एक सिमेट्री ही नहीं, हमें फोकस पे भी ध्यान देना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फोकस पे है या नहीं। तो ये था हमारा कुछ कॉम्पोजिशन का मतलब, तो ये था हमारा कुछ अबाउट द कॉम्पोजिशन।
अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि है हमारी एडिटिंग। तो इसमें मैं ज़्यादा अभी कुछ नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा बताऊँगा। इसमें मैं आपको कुछ फुटेज दिखा देता हूँ कि ये फुटेज पहले ऐसी थी, बाद में ऐसी हो गई। उसके बाद दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको सिंपल क्या करना है, अपनी फुटेज को एडिटिंग बहुत सिंपल करनी है। उसमें क्या क्या ध्यान दे सकते हो आप कि एक्सपोजर को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, उसके बाद सेचुरेशन, और थोड़ा सा आप उसको, मेरे को पता नहीं बोलना नहीं आ रहा क्या बोलते, जो साइड से लेकिन देखा होगा आपने ब्लैक से आ जाते, वो मैं आपको फोटोज़ में दिखा दूँ तो समझ आ जाएगा। तो ये सब चार चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं, तो इससे हमारी फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो सकती है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे हमारे इस वीडियो में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छे से और लेके आएंगे, जो मैंने आपको बताया कि एक फोटोग्राफी के 3 पिलर्स कौन कौन से होते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। तो यही था आज की वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे मेरी मदद हो जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय टाटा।